Assalamualaikum, Namaste, Adab, and Sat Sri Akal. I'm your host and host, Kaisar RJ Jatt, and you're watching me on your favorite TV channel. It's called Zorin's TV. Chat Express with RJ Jatt के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ एक नए इन्फ्लुएंसर के साथ और एक नए टिकटॉकर के साथ. आई थिंक अगर मैं इनको इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर के साथ साथ एक फिटनेस मॉडल मे बी आने वाले दिनों में फिटनेस ट्रेनर भी बन जाए और एक इवेंट ऑर्गेनाइजर और उसके साथ साथ और बहुत कुछ जो इनके प्रोफेशनल कैरियर से रिलेटेड है वो सब कुछ बताना आई थिंक इन्हीं के जुबानी सुनेंगे. इनका नाम लेने से पहले और इनके बारे में बताने से पहले सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक लोगों को देखते रहते हैं कि यार वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है. वो लोगों को देखते रहते और कर कुछ नहीं सकते और जिन लोगों ने कुछ करना होता है वो लोगों को नहीं देखकर वो करके दिखाते हैं कि हमने अपना ये जो काम करने का हमने अहद किया था ये जो हमने इनिशिएटिव लिया था वो हमने इसको करके दिखाया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. अगर आप करना चाहो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता. इंडिया से वाबस्ता हैं ये. इंडिया के रहने वाली हमारी इस इन्फ्लुएंसर को हम पिछले 3-4 माह से अप्रोच कर रहे थे एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आज उन्होंने हमें टाइम दे दिया और वो टाइम हमने कैसे लिया वो ऑफ द कैमरा स्टोरीज हैं जो हम आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते. और इस वक्त टिकटॉक पे 295.9K फॉलोअर्स एंड 3.9 मिलियन लाइक्स के साथ एक अच्छे नंबर को हिट कर चुकी हैं और बात करूंगा इनके साथ इनका नाम लूंगा और उसके साथ ही हम इनके साथ चैट एक्सप्रेस विद आरजे जट के फॉर्मेट को भी डिस्कस करेंगे. लेट्स टॉक विद वन ओनली अंजू यादव हमारे साथ हैं और हमारे इस शो का हिस्सा बन चुकी हैं हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं. अंजू यादव से बात करने से पहले कहूंगा इनके लिए जो हमने लाइन लिखी है वो ये है कि खामोश तबीयत इन पर जचती ही नहीं ये हंसे तो बहारें भी मुस्कुराती हैं. अंजू जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया. और काफी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि आपको अपने शो में बुला सके और बड़ा मुश्किल था आई थिंक आपको बुलाना. जितना वो बिजी आपका वो शेड्यूल नजर आ रहा होता है टिकटॉक पे जिम भी इवेंट्स भी टिकटॉक भी और जॉब भी तो ये कैसे इतना कुछ अंजू वहाँ एक बंदी होके मैनेज कर रही है? जब आप कुछ करना चाहते हो तो सब मैनेज हो जाता है. बस अंदर से आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि आप ये चीज करना चाहते हो और मैंने करना है. हाँ मैंने करना है. ग्रेट. तो हो जाता है सब मैनेज. ओके और आप मुझे ये बताइए कि आप एक्साइटेड हैं या नर्वस? मुझे 3-4 दफा पूछ भी चुकी थी कि कुछ क्वेश्चंस का आइडिया दे दे तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं कोई रिलीजियस क्वेश्चन नहीं और कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं. अब सोचने की बात यह कि अगर पर्सनल पॉलिटिकल रिलीजियस क्वेश्चन नहीं तो फिर क्वेश्चंस क्या है? तो वही क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे मेहमान जब तक क्वेश्चंस उनके सामने नहीं आते थोड़े से नर्वस भी रहते हैं और एक्साइटेड भी रहते हैं. तो मैं अंजू जी आपको बता दूं चैट एक्सप्रेस विद आरजे जट का फॉर्मेट. इसमें 4 राउंड्स होंगे. फर्स्ट राउंड में हम सिंपल क्वेश्चंस आपके साथ खेलेंगे और यू नीड टू आंसर इन द सिंपल वे. आपने बड़े शॉर्ट आंसर्स देने हैं. सेकंड राउंड में हम आपको कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ पर्सनालिटीज देंगे. आप उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करोगे. ओके एंड थर्ड राउंड हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे. उन वर्ड्स पे आपने एक रिएक्शन देना है. फॉर एग्जाम्पल आप वो लफ्ज़ या वो वर्ड पहली दफा सुनते हो तो आपका क्या रिएक्शन है वो दे रहे हैं. इन द लास्ट राउंड हम आपको कुछ क्वेश्चन विद ऑप्शंस देंगे तो आपने एक ऑप्शन चूज करना है. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का गेम चैट एक्सप्रेस विद आरजे जट के. पहले राउंड का पहला क्वेश्चन है कि प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स. मैं एक टिकटॉकर हूं और इंडिया से हूं और सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ बट ट्राई करती हूँ कि तो सोशल मीडिया पे टाइम दूँ और लोगों को जानूँ लोगों से मिलूँ. अच्छा जितना आपका अकाउंट हम देखते हैं मैं तो ये लगता है कि आप 24 घंटे सोशल मीडिया पे रहती और आप कहती हैं मैं सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देती. नहीं एक्चुअली जिम के टाइम ही होती हूँ मैं सोशल मीडिया पे. जब भी मैं जिम जाती हूँ उस टाइम पे भी मेरे पास लाइक मैं जॉब भी करती हूँ तो जितना टाइम मेरे को मिल पाता है जिम के टाइम में 1 घंटे का टाइम मिलता है जिम का और उसके बाद आधे घंटे मैं सोशल मीडिया को दे देती हूँ. सो सब मिला के 1.5 घंटे लगा लो आप. ओके ग्रेट हो गया. ओके बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसके साथ साथ एक जॉब है जो भी करती हैं और इवेंट्स भी आपके होते हैं मीटअप भी होते हैं मीट एंड ग्रीट्स में भी जाते हैं तो जब भी आप किसी इंसान को मिलते हो तो सबसे पहले क्या चीज़ है जिसको नोटिस करते हो? इंसान अच्छा होना चाहिए लाइक दिल का अच्छा होना चाहिए बंदा. मैं उन्हीं लोगों के साथ कांटेक्ट में रहती हूँ जो लोग दिल के अच्छे हैं और जो लोग लाइक किसी को चीट नहीं करते. ओके ग्रेट. कितने अरसे से टिकटॉक बना रही है? 1 साल होने वाले हैं. 14 जनवरी को मेरा बर्थडे है उस दिन 1 साल हो जाएगा. बर्थडे पे क्या गिफ्ट आया था कि टिकटॉक आइए डाउनलोड कर लो? टिकटॉक नहीं था मतलब क्या हुआ
बर्थडे पे कुछ वीडियोज वगैरह बनाए थे बर्थडे के, तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स बोला करते थे कि आप भी टिकटॉक पे आओ। मुझे टिकटॉक पहले उतना क्रेज नहीं था मेरे को टिकटॉक का। अच्छा, क्रेज अब भी नहीं आई थिंक आप? नहीं, क्रेज अब है। अच्छा, पहले नहीं था। पहले नहीं था तो कुछ वीडियोस बनाए थे हम लोग, घूमने भी गए थे, पार्टी वगैरह भी किया था, कुछ वीडियोस बनाए थे तो फ्रेंड्स बोला करते थे कि आओ टिकटॉक पे। बहुत सारे फ्रेंड थे टिकटॉक पे, उनके साथ में कुछ वीडियोस बनाती थी। तो ये हुआ कि चलो ठीक है वीडियोस अपलोड करते हैं, तो टिकटॉक पे कुछ बर्थडे की वीडियोस अपलोड किए ऐसे ही। सो थोड़ा सा व्यूज वगैरह अच्छे मिले तो थोड़ा क्रेज स्टार्ट हुआ कि हाँ बनाते हैं। फिर जैसे तैसे करके दो चार वीडियोस बनाए, अच्छे गए। फिर ये हुआ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगता ना। मतलब ये गंजू तेरी बर्थडे वाली वीडियोस के बाद, अच्छा कौन सी वीडियो थी जिसपे आपने समझा कि ले अब हमने टिकटॉक बनाना ही बनाना, कोई दिन वीडियो वायरल हो जाती है? अच्छा, सो जिम का ही वीडियो वायरल हुआ था, एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद उसपे कुछ लाइक एक दिन के अंदर उसपे 1 मिलियन कुछ व्यूज गए थे। एक दिन में 1 मिलियन? हाँ, लाइक मैंने मॉर्निंग में डाला था जिम से आने के बाद, 5 बजे के करीब, 5 बजे के करीब इन द मॉर्निंग, एंड व्हेन आई सी इन द इवनिंग इट वाज 6 o'clock और 6:30, आई गॉट 1.1 मिलियन व्यूज। ओह माय गॉड, आई वाज क्रेजी। ओह नो, ये क्या हो गया। सो उसके बाद फॉलोअर्स भी काफी बढ़े थे, तो देखा भाई के में आगे फॉलोअर्स। तो लाइक मेरे उस टाइम पे 10-15 के कुछ ऐसे फॉलोअर्स थे। ओके, सो जब वो वीडियो वायरल हुआ तो विद इन 1 week 80K हो गए। हाँ, एक हफ्ते में 80K? हाँ, तो मैंने देखा कि लाइक काफी अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद मेरे को कई सारे इवेंट्स वगैरह में बुलाया गया, एक फैशन शो में बुलाया गया, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा आपको क्रेज होता है ना कि हाँ अच्छा जा रहा है सब कुछ। Okay. तो उसके बाद से क्रेज हुआ मेरे को टिकटॉक का। Okay, उसके पहले तो बस टाइम पास था। हाँ। अच्छा, अगर देखा जाए तो हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी खूबी, कोई ना कोई ऐसी चीज, अच्छी चीज होती है जो लोगों को नहीं पता होता। तो कोई एक ऐसी अच्छी चीज अंजू की, या अच्छी बात या अच्छी खूबी जो आज तक लोगों को नहीं पता, वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर की। अच्छा, सो जब लोग मेरे को पहली बार मिलते हैं या पहली बार देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है, बट स्लोली स्लोली जैसे उनसे बात होती है या फिर थोड़ा फ्रेंडली होते हैं तो लोगों को लगता है सॉरी यार इसके बारे में गलत था, या गलत सोच रहे थे। हाँ, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स अभी जो क्लोज फ्रेंड हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा, वो लोग बाद में शेयर किए कि यार जब पहली बार देखा था तो ऐसा लगता था कि इस लड़की में कितना एटीट्यूड है, और बाद में पता चला कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब ऐसा होता है। मतलब गाइस, अगर आप किसी को जानते नहीं है, किसी के बारे में आपको पता नहीं है, तो उसके बारे में आई थिंक राय बनाने का कोई फायदा नहीं है। अपनी ओपिनियन तभी दें जब आप किसी इंसान को बहुत अच्छी तरह जानते हो। लेकिन हम क्या करें, जो सोसाइटी का हम हिस्सा है वहां पे ओपिनियन देने में हम सब लोग वर्ल्ड चैंपियन है। ना जानते हुए भी और ना पहचानते हुए भी हम ओपिनियन ऐसे देते हैं जैसे हमारा ओपिनियन दे रहा हमारा जो है। अगर हम ओपिनियन नहीं देंगे तो हमारा धर्म जो है वो संकट में पड़ जाएगा, राइट? हाँ, जो भी हो, बट ऐसा भी नहीं है, लाइक ऐसा होता है लोगों को कि एक उनको लगता है कि हमारे दिमाग में एक आता है किसी को देख के, जैसे आपको देख के आप मेरे को देखोगे तो कुछ एक उसका आ जाता है दिमाग में कि ये बंदा या अगर आता है तो आई थिंक मेरा मानना ये है कि उसे अपने तक रखो, लोगों तक मत लेके जाओ। हाँ, मेरी ओपिनियन है। हाँ, मैं लोगों तक उसको मत लेके जाऊँ। अगर मेरी ओपिनियन गलत भी होगी तो वो मेरे तक रहेगी। हाँ, लेकिन अगर मैं लोगों तक ले गया और वो ओपिनियन बाद में गलत निकला तो खुद को गिल्टी फील। मैंने यार कैसे जज किया था, राइट? पेट पालने का शौक है आपको? इतना ज्यादा नहीं। नहीं है तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। ओके, आपने खुद ही बता दिया कि 1.5 hours आप एक दिन में सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप पहले दे चुके हो। सुबह उठते सार सबसे पहला काम है आप कौन सा करते हैं? सुबह उठते सबसे पहला काम मैं लाइक जो भी डेली रूटीन होता है उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। यानी सबसे पहले ऊपर वाले का नाम, भगवान का नाम, उसके बाद दिन का। क्योंकि क्या था, बचपन से ही मेरे को भगवान में बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। सो पहले मैं बहुत फास्टिंग वगैरह भी करती थी, तो फिर बोलते थे कुछ दिन में साधु बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ आने के बाद, दुबई आने के बाद थोड़ा कम हुआ है। घर पे ज्यादा करती थी फास्टिंग वगैरह क्योंकि मम्मी होती थी टेक केयर करने के लिए, तो यहाँ पे उतना नहीं होता है। बट हाँ, डेली का है मेरा कि पहले भगवान की पूजा करनी है, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना। जबरदस्त हो गया। मतलब ये कि आप दुनिया में किसी भी जगह पे भी हो, आपका किसी भी लाइफस्टाइल के साथ आप जी रहे हो, फॉर एग्जांपल फैशन इंडस्ट्री है, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, आप इन्फ्लुएंसर की लाइफ भी जी रहे हो, अपने रब के साथ, अपने गॉड के साथ, अपने भगवान के साथ अपना कनेक्शन जितना स्ट्रांग रखोगे उतनी ही ज्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। अच्छा अंजू, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी विश जो आप चाहते हैं, रिसोर्सेज भी हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही, मिसाल के तौर पर
आई एक्सप्लेन, आप आज लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हो, आपके पास पैसे भी हैं, लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहो अभी जाके खरीद सकते हो, लेकिन क्यों नहीं खरीदे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आप किसी देश में जाना चाहते हो, पैसा है, आप टिकट भी ले सकते हो, वीजा भी ले सकते हो, लेकिन हो सकता है उन्होंने आपके पासपोर्ट को बैन किया हुआ है, दे आर नॉट अलाउड, दे वो आपकी कंपनी को, सॉरी आपकी कंट्री को ट्रैवल अलाउ ही नहीं कर रहे। तो कोई ऐसी विश, कोई ऐसी ख्वाहिश जो चाहते हुए पूरी नहीं हो रही? बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी ख्वाहिश है, बट ऑफ कोर्स पूरी नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहूँ, उन लोगों को यहाँ लाइक अपने साथ रखूँ, या फिर उनके साथ रहूँ मैं, जो नहीं हो पाता है, लाइक कुछ है प्रॉब्लम्स, वो लोग घर से यहाँ नहीं आ सकते हैं और मैं वहाँ नहीं जा सकती, तो इसलिए बस छोटी सी विश है कि इन फ्यूचर अगर हाँ सब अच्छा रहा तो मैं चाहूंगी कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ आ गए। चार अच्छी आदतें, फोर गुड हैबिट्स। ओके, मैं हार्ड वर्किंग हूँ और जो भी लाइक मैं सोचती हूँ कि मेरे को ये करना है वो मतलब भगवान की दुआ से ही वो मैं पूरा करती हूँ। जो करना है वो करके दे, कर, वो करके, हाँ करके दिखाती हूँ मैं। जो एक बार आ गया कि मुझे ये करना है तो वो जैसे तैसे, वो जिद समझ लो आप या कुछ भी समझ लो, वो मैं करती हूँ। और लाइक फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान देती हूँ मैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बॉडी आपके लिए सब कुछ करती है, तो आपको अपने बॉडी पे भी ध्यान देना होता है। और मैं लाइक मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए ऑनेस्ट होती हूँ मैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको आप लोगों के साथ लॉयल रहो। ग्रेट, आपकी चार बुरी आदतें, फोर बैड हैबिट्स। चार अच्छी आदतें बड़े आराम से बता रही थी, लेट्स सी कि फोर बैड हैबिट्स कैसे बताती हैं। ओके, सो सबसे पहली कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लेट हो जाती हूँ। अच्छा, ऑलवेज लेट नहीं, हमारे पास तो टाइम पे ही है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लेट थी, हमारे पास टाइम पे। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ऑन टाइम पे आना, अपना रिकॉर्ड तोड़ूं। हाँ, रिकॉर्ड तो मतलब स्कूल टाइम से होता आ रहा है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि लाइक पता नहीं लक है कि मेरी स्टार्टिंग से हैबिट ऐसी बन गई है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं, आप उनसे भी पूछोगे तो बताएंगे, अगर वो लोग ये देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। अगर मेरे को मैंने 11 बजे किसी को टाइम दिया है तो 12 बजे पहुंचना है मेरे को। ये बचपन से चल रहा है, ये बचपन से चल रहा है। I think हम लोगों को सबको इस चीज को कुछ नहीं, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बचपन से ही ये रूटीन चल पड़ी है कि वो लेट आती है। लेट हो जाती हूं। Okay, the second one. Second, मेरे को सुबह सो के उठने में अच्छा नहीं लगता। एक बार सो जाने के बाद कुछ काम भी होता है, कभी कभी छुट्टी के दिन ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो मैं इग्नोर करके सो जाती हूँ, आराम से उठूंगी, सो जाती हूँ आराम से। थर्ड वन की मेरे को खाना बनाना पसंद नहीं है, बट किसी के हाथ का बना खाना पसंद है, मतलब घर का खाना खाना पसंद है, बट बनाना खुद बनाना नहीं पसंद। यानी आप लोग अगर अंजू को बुलाना चाहते हैं या अंजू के पास जाना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि अंजू के पास जाके खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये खाना बना के नहीं खिला सकती। हाँ, आपके हाथ का बना हुआ खाना जरूर खाना पसंद करेगी। और अंजू बहुत सी लड़कियों को कॉकरोच से, रैट से, अंधेरे से, स्नेक से, बिल्ली से, डॉग, कुत्तों से डर लगता है, तो अंजू को किस चीज से डर लगता है? मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगता, वो लोग भी लाइक हमारी तरह ही हैं, तो क्यों डरना, लाइक सबको भगवान ने यहाँ भेजा है धरती पे जीने के लिए, तो उनसे क्यों डरना, डर नहीं लगता ऐसा कुछ मेरे को किसी चीज से, लाइक ऊंचाई से, स्विमिंग से, पानी से, किसी से डर नहीं लगता? अंधेरे से लगता है, अंधेरे से डर लगता है। ओके, ग्रेट। ऐसी कौन सी चीज, ऐसा कौन सा काम अगर आप नहीं करते तो आपका दिन मुकम्मल नहीं होता? अगर मैं अपने मम्मी पापा से बात नहीं करती हूँ घर पे, तो वो लाजिम है रोजाना करनी है। हाँ, डेली डेली। ओके, ऐसे 5 गाने जो हमेशा आपकी प्लेलिस्ट में होते हैं। एक तो अभी नया चला है बुर्ज खलीफा, वो मुझे बहुत पसंद आ गया, तो लाइक मैं बहुत सारे वीडियोस उस पे बना रही हूँ आजकल, जब भी मैं उसको देखती हूँ तो जैसे लगता है कि हाँ नहीं, एक वीडियो तो बना ही लो इस पे। अच्छा, अभी बना लो, अभी तक जितनी बनाई वो कम है, एक और बना लो। हाँ। तो कई लोगों ने बोला बस करो, अब बुर्ज खलीफा लेके ही मानोगी। बट वो जब भी दिखता है ना मेरे को टिकटॉक पे, स्लाइड करते रहो दिखता बुर्ज खलीफा, तो ऐसा लगता नहीं, एक वीडियो तो बना लो इस, मतलब लगता है कि अभी भी मेरा वीडियो रहेगा, इसको अभी रह गया तो बना लो, तो बना लेती हूँ उस पे। वो मेरे को अभी तक क्या बुर्ज खलीफा पे जाके वीडियो बनाई उस गाने के लिए? नहीं, अभी तक नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं मिला, जैसे मैंने आपको बताया मेरे को टाइम नहीं मिल पाता ना। ओके, ग्रेट। तो अभी तक ऐसा टाइम, वो सॉन्ग आने के बाद अभी तक मैं बुर्ज खलीफा गई, उससे पहले बहुत दफा गई होंगी। हाँ, उसके पहले बैड लक ये कि जो गाना बहुत पसंद आने के बाद कभी नहीं गई। ओके, द सेकंड वन। तो सेकंड वन नाम याद है, वो वाला है।
वो भी अच्छा है, लाइक उस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। अच्छा, उस पे भी बना उस पे भी बनाए, क्योंकि जो कितने वीडियोस बनाते हैं, सॉन्ग अच्छे लगते हैं ना मेरे को, मैं उस पे हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो बना लेती हूँ, जब तक ये नहीं होता कि अब बस इस पे नहीं बनाना है। ओके, द थर्ड वन। उसके पहले एक और सॉन्ग आया था, उस पे भी मैंने काफी वीडियोस बनाए थे। बाजार जिते जाके तू बिके। हाँ हाँ, वो बाजार की थे। हाँ, ओके, वो था। और एक चुरा के दिल तेरा ऐसे करके, okay. है ना, वो वाला पुराना सॉन्ग है, बट वो भी मेरे को बहुत पसंद है। अभी भी उस पे वीडियो बनाती हूँ, okay, और बहुत सारे पुराने सॉन्ग पे मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वो भी लाइक पसंद है मेरे को। ओके, ग्रेट। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो आप डेली विजिट करते हो? वेबसाइट, नॉट ऐप। नॉट ऐप, गूगल। ओके, ग्रेट। पूरी जिंदगी में आप मुझे ये बताएं, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ऑलमोस्ट वेज सारे खाने, वेज सारे पसंद है आपको। पूरी जिंदगी तीन टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में एक ही चीज खानी है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बोलने की, ठीक है अंजू हम आपको पूरी जिंदगी के लिए खाना देंगे, तो आपने पूरी जिंदगी इसी पे गुजारा करना है, सिर्फ एक खाने पे? एक पे, कौन सी चीज है? पनीर। पनीर दे दो, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। रिमेम्बर दैट, के पनीर दे दें और अंजू पूरी जिंदगी पनीर पे गुजार सकती है, इतना ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है उसको रखने का, कोई रखना जाए। ओके, खाने में। हाँ, ओके, कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ने की कोशिश करें लेकिन वो आदत छूट नहीं रही? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर जगह लेट हो जाती हूँ, तो उसके लिए लोग मेरे पे बहुत गुस्सा करते हैं। इनफैक्ट जब भी कभी वीडियोज वगैरह का भी प्लान होता है या फ्रेंड से मिलना हुआ, कहीं जाना हुआ, वहाँ पे भी मैं लेट हो जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जाना स्टार्ट करूं, जैसा कि आज मैं जल्दी आ गई आपके शो पे। हाँ, I am the witness कि हमारे शो में बॉब ने टाइम पे आई है, मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। चलें, गुड लक फॉर दैट। और अगर आपको एक दिन की सुपर पावर दे दी जाए तो आप क्या करोगे? मैं लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको लाइक बहुत परेशान रहते हैं, उनके पास चीजें नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं हर एक से पूछूं कि उसको क्या चाहिए एक दिन के लिए, तो मैं उसको वो दे पाऊं बस। ग्रेट हो गया। ओके जी, अभी तक तो बहुत अच्छा अंजू ने खेला। नेक्स्ट राउंड है जिसमें हम कुछ सेलिब्रिटीज देंगे, उन सेलिब्रिटीज को एक वर्ड में देखते हैं अंजू कैसे डिस्क्राइब करती हैं और कैसे रिएक्ट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ। लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट सेलिब्रिटीज दैट कैटरीना कैफ। फिटनेस। ओके, करीना कपूर। ब्यूटी। दीपिका पादुकोण। हाइट। आलिया भट्ट। किस क्वीन। ऐश्वर्या राय। ब्यूटी। प्रियंका चोपड़ा। आई लाइक हर टिप्स। कंगना रनावत। एक्टिंग। अनुष्का शर्मा। स्माइल। सारा अली खान। ब्यूटी। सानिया मिर्जा। आई लाइक हर नोज री। ओके, जैकलिन फर्नांडिस। फिगर। डेजी शाह। ब्यूटी। एंड सोनाक्षी सेना। ब्यूटी। नेहा कक्कड़। आवाज। श्रेया घोषाल। आवाज ऑफ कोर्स। ओके, एंजेलिना जॉली। ब्यूटी। लेडी गागा। सलमान खान। सलमान खान तो सबके दिल में बसने वाले हैं। आमिर खान। आमिर खान इज माय फेवरेट। ओके, शाहरुख खान। शाहरुख खान की तो स्टोरी सबको पता है। ओके, अक्षय कुमार। उनका वो वाला एक्शन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अक्षय कुमार एक्टिंग। टाइगर श्रॉफ। डांस। ओके, वरुण धवन। फिजिक। कार्तिक आर्यन। फिटनेस। एंड संजय दत्त। एक्टिंग। एंड रणवीर सिंह। एक्टिंग। आतिफ असलम। वाइस। जस्टिन बीबर। एक्टिंग। फवाद खान। फिजिक। अरिजीत सिंह। वाइस। And B. Prak. उसके लिए आप बता दो। इतना फेमस सिंगर और उसके लिए ग्रेट। ओके, नेक्स्ट इज राहत फतेह अली खान। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट राउंड है जी जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, लेट्स सी कि आप वर्ड्स पे क्या रिएक्ट करती हैं और इन वर्ड्स पे आपके हम आई विश कि आप जो आपके जेन्युइन और ऑनेस्ट आंसर्स हैं वही देंगे। जिंदगी।
जिंदगी एक ही होती है, आपको खुश होके जीना चाहिए. ट्रैफिक में नहीं जाना चाहिए. पंजाबी मुझे बहुत पसंद है. इनफैक्ट सॉन्ग भी बहुत पसंद है पंजाबी. क्लबिंग, पंजाबी लोग बहुत अच्छे होते हैं. क्लबिंग आई डोंट लाइक. फेम ऑफ कोर्स हर किसी को मिलना चाहिए. मनी उतना होना चाहिए हर इंसान के पास जितना उसकी जरूरतें हो. शॉपिंग तो जी भर के करना चाहिए. ओके एंड मेकअप लड़कियों को बहुत जरूरी है. डांस भी बहुत जरूरी है. मेकअप लड़कों को भी बहुत जरूरी है. लड़कों को जरूरी है बट लड़कियों को ज्यादा जरूरी है. ओके एंड म्यूजिक तो लाइक लाइफ में होना चाहिए क्योंकि म्यूजिक के बिना कुछ नहीं है. ओके हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड हर किसी की जुबान पे होता है. अवार्ड्स हाँ. पार्टी आई लाइक पार्टी. गुड. शीशा आई डोंट लाइक बट यस. लवर हर किसी के लिए जरूरी है. लव तो हर किसी के लाइफ में होता है चाहे वो किसी से भी हो. फैंस करेक्ट वो भी जरूरी है लोगों के. हेटर्स हाँ अगर हेटर्स नहीं होंगे तो लवर्स कैसे होंगे. तो हेटर्स भी बहुत जरूरी है आपकी लाइफ. इंडिया आई लव इंडिया. दुबई आई लव दुबई. वीडियोग्राफी आई लाइक इट. फोटोग्राफी आई लव. टिंडर इट्स गुड. ट्विटर यूट्यूब आई लव इट. ओके फेसबुक आई यूज बट नॉट दैट मच. इंस्टाग्राम आई लव इट. एंड टिकटॉक TikTok is my life. Social media. Part of life, you can say. Dating, I don't like. Okay, marriage. कोई नहीं पसंद करता. कोई नहीं पसंद. जिस दिन से आपकी शादी हो गई उसी दिन से समझ लो जिंदगी की परेशानियां स्टार्ट हो गई. Okay, great. The last round है. इसमें आपको questions और options होंगे. आपने एक option choose करना. Let's see कि क्या answer करते हैं. अगर आप social media influencer ना होती, तो क्या एक एथलीट होती या एक सिंगर होती या एक बिजनेस वूमेन होती? बिजनेस वूमेन. ओके. आपको फेवरेट कपड़ों में ब्रांड्स कौन से पसंद हैं? ज़ारा, अरमानी या जो अच्छा लगा मन को पहन लिया? वैसे ज़ारा पसंद है मेरे को बट जो अच्छा लगता पहन लिया. ओके. फेवरेट लोकेशन फॉर हॉलीडेज. आई गिव यू 3 ऑप्शंस. आपने एक ऑप्शन चूज करना है. द ऑप्शन इज दैट सिडनी, टोरंटो और न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड. अगर वहां जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाएंगे? फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या अकेले? फैमिली के साथ. ओके. फेवरेट फूड में आपको क्या पसंद है? देसी फूड, फास्ट फूड या अरबिक फूड? देसी फूड. ओके ग्रेट. द फेवरेट सिंगर. 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक ऑप्शन चूज करना है. आपने आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, राहत फतेह अली खान. राहत फतेह अली खान. ओके. स्कूल लाइफ में आप कैसे स्टूडेंट थे? बहुत शरारती थे, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत शाय थे? बहुत शरारती थी. ओके. आपने अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट शेयर करनी है तो आप अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट किसके साथ शेयर करोगे? द ऑप्शन इज दैट कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन. टाइगर. ओके. मूवी में काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ काम करेंगे? आमिर खान, टाइगर श्रॉफ और सलमान खान? आमिर खान. ओके ग्रेट. आपको अपने फोन में से सोशल मीडिया ऐप अनइंस्टॉल करने का कहा जाता है, क्या ऐसी कौन सी ऐप है जिसे आप बिना सोचे बिना समझे उसी वक्त अनइंस्टॉल करोगे? द ऐप नेम इज टिकटॉक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. व्हाट्सएप. ओके. फोन में आपने सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल करनी है तो ऐसी कौन सी ऐप है जिसे इंस्टॉल करोगे? फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप? व्हाट्सएप. ओके ग्रेट. आप जो भी हाईवे हैं, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे पाकिस्तान के हैं, आप हाईवे पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया. आप पेट्रोल स्टेशन पे गए, अपने गाड़ी में अपना पेट्रोल फिल कराया. पेमेंट देने के टाइम जब आपने पे करने का टाइम था, आपने देखा आपके पास वॉलेट नहीं है, आपके पास मोबाइल फोन नहीं है और आपको जानने वाला भी वहां पे कोई नहीं है, क्या करोगे? मोबाइल फोन भी नहीं है, वॉलेट भी नहीं है, मोबाइल फोन भी नहीं है और वहां पे जानने वाला भी कोई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? मैं उन लोगों से बोलूंगी कि वो मेरे को ऐसे किसी इंसान से कांटेक्ट करवाएं जिसका नंबर ऑलरेडी याद हो मेरे. Okay, को सो मैं उनको कॉल करके बुला सकूं. जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा आपने खेला. एंड लास्ट ईयर मैसेज फॉर योर फैन एंड योर हेटर्स इन द कैमरा. आपके जो फैंस, आपके जो हेटर्स, जो हेटर्स मीन जो आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? और वो फैंस जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू. और जो लोग मुझसे हेट करते हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो लवर्स कैसे होंगे? हेटर्स होंगे तभी लवर्स होंगे. अगर कोई आपसे हेट करता है तो ही लोगों को लगता है कि ये हेट क्यों करता है. जो लोग आपको जानते हैं करीब से उनको लगेगा कि नहीं ये बंदी तो ऐसी नहीं है तो ये हेट क्यों करते हैं. तो दोनों का होना बहुत जरूरी है. जो लोग मेरे से लव करते हैं प्लीज करते रहो, और जो लोग हेट करते हैं
उसको भी करते रहो, एक ना एक दिन प्यार हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा अंजू यादव आपसे बात करके और आपके बारे में। आई विश कि आपके जितने फैंस और आपको जितने सपोर्ट करने वाले लोग बहुत अच्छी तरह जान पाए होंगे अंजू का। आज का प्रोग्राम आपने देखा, कितना अच्छी तरह आप अंजू यादव को जान सके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी कौन सी बात जो हम मिस कर चुके हैं और हम नहीं पूछ सके अंजू यादव से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आने वाले फिर कभी किसी एपिसोड में दोबारा बुला के इनसे वो बात जरूर पूछेंगे। और आने वाले एपिसोड में आप किस इन्फ्लुएंसर को या किस टिकटॉकर को हमारे स्टूडियो में देखना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जिसमें जोरेंस टिकटॉक, जोरेंस फेसबुक, जोरेंस यूट्यूब, जोरेंस इंस्टाग्राम और जोरेंस यूट्यूब, जोरेंस फेसबुक, जोरेंस इंस्टाग्राम, ये एंड वाला काट लो, ओके इसको मैं दोबारा करने लगूंगा। और हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट जिसमें जोरेंस टिकटॉक, जोरेंस फेसबुक, जोरेंस इंस्टाग्राम और जोरेंस ट्विटर, हमारे तमाम अकाउंट्स पे जाइए, हमें लिखिए आप किसको देखना चाहते हैं हमारे स्टूडियो में, कौन सी बात और कौन सा सवाल है जो आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से करना चाहते हैं। और www.zorins.tv को विजिट करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट और दोस्त कैसर आरजे जट को इजाजत, आने वाले एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाऊंगा मजीद इन्फ्लुएंसर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़, सलामत एंड बाय बाय।